नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। और जिस तरह से तीन राज्यों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसको लेकर लखनऊ के भाजपा कार्यालय में एक अलग ही जश्न देखने को मिला। काफ़ी धूमधाम से अपनी जीत को सेलिब्रेट करी भाजपा। और इस वक्त हमारे साथ कई भाजपा के मंत्री जी मौजूद है हमारे साथ। सर, कैसे हैं आप? कैसे, किस तरह से देख रहे हैं सेलिब्रेशन? आज बड़ी खुशी का दिन है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, निश्चित रूप से ये मोदी जी के द्वारा ही संभव था। यानी मैं कह सकता हूँ कि अब मोदी और जनता के बीच में अगर कोई है तो उनका कार्यकर्ता, उनका पदाधिकारी, उनके नेता हैं। बाकी ये जो विपक्षी लोग तमाम तरीके के विषय लिए खड़े हैं, वो कहीं अब टिकते नहीं हैं। जमीन पर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो विकास उतारा है और जो राजनीति में एक सही दिशा देने का काम किया है, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, यानी सभी जात धर्म के लोग मोदी जी की इस विकास यात्रा में सवार हो चुके हैं। और निश्चित रूप से आगे आने वाला समय और स्वर्णिम युग आने वाला है। अशोक जी भी, अशोक जी क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस को लेकर? देखिए, कांग्रेस आज भी पूरी तरह से एक मैनेजमेंट का काम करती है। अब नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, नहीं विश्व के ऐसे नेता आज उत्पन्न हुए हैं, एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं कि पूरे विश्व में अगर गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति है, जो गरीबों में या अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ शोषित वंचित जो दलित है उसके बारे में चिंतन करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूप में उभरे हैं। अब कांग्रेस को भी चिंतन करना पड़ेगा कि हाइप करके, लोगों को मूर्ख बना के, साजिश करके और ऐसी राजनीति से उनको भी तौबा करनी चाहिए। जो गंदे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है, वो आज किसके लिए बने हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि वो गंदे शब्द हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रधानमंत्री के लिए कहा, जनता ने उसका जवाब उनको दे दिया। और यह कांग्रेस के लिए क्या है, वह जो प्रधानमंत्री को बोल रहे थे, आज वह कांग्रेस के लिए पनौती बन गए। देखा, इस तरह से अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, एक भाजपा के कार्यकर्ता, काफ़ी लोग मुझे, कई मंत्री, कई नेता यहाँ पे मौजूद चुके हैं, पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। जिस तरह से भाजपा ने प्रदर्शन किया, उस चीज़ को ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन अपने साथ, मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।